हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स वे डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह सो एल आई सी ए का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नोटिफिकेशन अच्छे से डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी सिलेबस सारा कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 हंड्रेड वैकेंसीज हैं एंड पीडब्ल्यू बी डी कैटेगरी के लिए ट्वेंटी टू अलग है जो बैकलॉग है वो अलग है टू सेवेंटी सेवन है वैसे इस साल ट्वेंटी थ्री का बैकलॉग सो थ्री हंड्रेड वैकेंसीज हैं इतना समझ लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ सो थ ऑफ जनवरी 2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं परसों से एप्लीकेशन खुल चुकी हैं टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन प्रिलिमिन्री एग्जाम के लिए और को जो है एग्जाम होगा प्री का एंड एटींथ ऑफ मार्च को एग्जाम होगा मीन्स का ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया मिनिमम एज शेल बी बिटवीन जो एज क्राइटीरिया है ट्वेंटी वन टू थर्टी ईयर एज ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 को आप 21 से लेके 30 इयर्स तक हो देन यू आर एलिजिबल अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल एस सी एस टी ओ बी सी एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन हैं एस सी एस टी की पाँच साल ओ बी सी थ्री ईयर्स पी डब्ल्यू डी कैटेगरी जो है जनरल एस सी एस टी ओ बी सी टेन फिफ्टीन थर्टीन अलग अलग हैं जो आपको बताया था पहले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फाइव टेन एट एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो कंफर्म्ड एल के एम्प्लॉयज हैं फाइव ईयर का रिलैक्सेशन वहां पे है ग्रेजुएशन इज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ओके प्रोबेशन है टू इयर्स का प्रोबेशन है यहाँ पे uh, वैसे वन ईयर का है विच कैन बी एक्सटेंडेड टिल टू ईयर एंड इफ योर मैनेजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस आपको निकाला भी जा सकता है गारंटी बॉन्ड यू हैव टू फिल अ फोर इयर्स गारंटी बॉन्ड चार साल का गारंटी बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा पांच लाख रुपए का प्लस जीएसटी जो डीड इंडेमटी डीड है उसके पैसे भी आपको खुद ही देने पड़ेंगे यू हैव टू डू इट योर अगर चार साल से पहले छोड़ते हो आप For any other exam, you have to pay 5 lakh rupees plus GST wapko pay karne. But in case you leave the organization, uh, deposit. Karna hai you don't need to deposit that money. Okay. So salary is like 92,870 rupees in an A-class city, which is a very good money. Paise so other benefits are also there. So it's a very good money according to me. Uh, better than a specialist officer. पी एस यू बैंक बेटर है काफी अच्छा है गो फॉर इट इफ यू नीड अ जॉब इफ यू आर एलिजिबल रीजनिंग एबिलिटी क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज देयर इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे जो है टोटल में सो यू कैन सी 35 फाइव प्लस थर्टी फाइव सेवेंटी इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वालिफाइंग इन नेचर क्वांट रीजनिंग के मार्क्स जोड़ेंगे जो मिनिमम कट ऑफ है दैट इज़ ऑलरेडी मैंशन जनरल का टेन है इंग्लिश लैंग्वेज आउट ऑफ थर्टी यू नीड टू स्कोर टेन इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो आप ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स ये हैं सेक्शनल टाइमिंग इज देयर सो कट ऑफ इज ऑलरेडी मैंशन एटीन एंड एटीन फॉर रीजनिंग एंड पॉजिटिव एप्टीट्यूड एस सी एस टी की थोड़ी कम है सिक्सटीन सिक्सटीन नाइन ज़्यादा कम नहीं है बट स्टिल इसके बेसिस पे यू विल बी कॉल्ड फॉर द मेन्स एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वालिफाइंग इन नेचर इसका आप रखें ध्यान इन द मेन्स देर इज रीजनिंग एबिलिटी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स डेटा इंटरप्रिटेशन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस एंड देर इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको आंसर जो है टाइप करने पड़ेंगे कंप्यूटर पर सो रीजनिंग बिलिटी थर्टी क्वेश्चन मार्क्स करंट अफेयर्स थर्टी क्वेश्चन मार्क्स डेटा इंटरप्रिटेशन थर्टी इंश्योरेंस थर्टी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स सो रीजनिंग का एक क्वेश्चन और क्वांट का एक क्वेश्चन इज इक्वल टू थ्री मार्क्स करंट अफेयर्स वाला और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट टू मार्क्स राइट सो टोटल थ्री हंड्रेड मार्क्स विद इन टू आवर्स यू हैव टू डू करंट अफेयर्स के लिए 20 मिनट्स अकॉर्डिंग टू मी इंश्योरेंस के लिए 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन डूएबल है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है लेकिन बट स्टिल 40 मिनट्स हैं काफ़ी है टाइम एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद इन थर्टी मिनट्स यू नीड टू राइट एन एस एंड अ लेटर दैट कैन बी एनिश्यू अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो पहली बार करोगे तो दिक्कत आएगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से डू नॉट प्रैक्टिस कंप्यूटर पे एस और लेटर लिखने की लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट से ही कर लें ज्यादा टाइम तो नहीं मिल, मिलेगा बाद में तैयारी करने का मेंस का बेसिक कट ऑफ भी दिया हुआ है रीजनिंग एबिलिटी 45 फाइव so, सो अच्छा खासा कट ऑफ है आउट ऑफ 90 45 फाइव डेटा इंटरप्रिटेशन भी आउट ऑफ नाइन्टी फोर्टी ठीक है आउट ऑफ सिक्सटी Uh, जो है जनरल अवेयरनेस आउट ऑफ सिक्सटी थर्टी लेने हैं आपको इंश्योरेंस में आउट ऑफ सिक्सटी थर्टी लेने हैं एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज है जो आपका ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग है उसमें टेन मार्क्स लेने हैं सो अराउंड फिफ्टी परसेंट है बाकी के सब्जेक्ट्स में इंग्लिश के मार्क्स वैसे जुड़ेंगे नहीं इंग्लिश इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे uh, जो आपका लिस्ट uh, बनेगा उसमें नहीं जुड़ेंगे ओके okay? सो फिफ्टी परसेंट रिक्वायर्ड रीजनिंग क्वांट रीजनिंग आपका डेटा इंटरप्रटेशन करंट अफेयर्स इंश्योरेंस सो ऑल इंड ऑल इफ यू कैन सी ह्यूज वेटेज इज देअर फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस काइंड ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं इनके जो सिलेबस हैं उसमें कोई खास अंतर उतना होता नहीं है राइट मिक्स हो जाता है बट स्टिल आई विल बी शेयरिंग विद यू दिलेबस गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी यूजिंग स्क्राइब ये बहुत अच्छा काम किया इफ़ ड्यूरिंग एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जाम अगर एग्जामिनर को लगा कि आपका स्क्राइब जो साथ में बैठ के आंसर कर रहा है आपका जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा वेरी गुड स्टेप एल बाकी सबको भी यही करना चाहिए सो फेज थ्री में इंटरव्यू होगी द स्टूडेंट्स हु मार्क्स इन द दीन्स जो मेन्स के एग्जाम के स्कोर्स हैं वुड बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज ठीक है सिलेबस फॉर द क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन सी स्टूडेंट्स एज यू कैन सी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे uh, जो प्री वाला है इसमें क्वांट है जो मेन्स है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस है सो so यहाँ पे आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन यू विल सी लाइक ट्वेंटी फाइव थर्टी ऑल दीज क्वेश्चन वुड भी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस सो मेन्स में डेटा इंटरप्रिटेशन है जो प्री है उसमें क्वांट है ज्यादा सो देर विल भी नंबर सीरीज डेटा सफिशियंसी पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस परसेंटेज सिंपलीफिकेशन सीरीज शुड बी हेयर अप्रॉक्सीमेशन रेशियो एंड प्रपोर्शन इंटरेस्ट एलिगेशन मैं दीज आर द टॉपिक्स फॉर द क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड ओके फॉर रीजनिंग एबिलिटी प्रियोर मीन्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा बट इन द मीन्स विल बी मोर पजल्स पजल ज़्यादा होंगी सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा होंगे सो पजल सिटिंग अरेंजमेंट स्टेटमेंट एंड एग्जामेशन सारा वो लॉजिकल रीजनिंग एलॉजिजम डेटा सफिशियंसी मशीन इनपुट एंड आउटपुट ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट कोडिंग डी कोडिंग इन इक्वालिटीज शुड बी हेयर लिखा नहीं है बट होना चाहिए यहाँ पे इन इक्वालिटीज और भी कोई नए टॉपिक्स आते हैं आई एल बी शेयरिंग हेयर डोंट वारी सीरीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अल्फानोमैरिक सीरीज इज इम्पॉर्टेंट मशीन इनपुट आउटपुट इट्स देयर सो एवरी थिंग इज हेयर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आई वुड रेकमेंड यू टू गो थ्रू लास्ट सिक्स months ऑफ करंट अफेयर्स राइट वट एवर इज़ इन द न्यूज़ कोई भी अवार्ड अगर न्यूज़ में है जैसे भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड आए हैं ग्रामीण आएगा वो सारे इम्पॉर्टेंट है डैम्स पावर प्लांट सो अकॉर्डिंग टू मी फॉर जनरल अवेयरनेस वॉट एवर इज देअर इन द न्यूज़ इफ यू आर ऑलरेडी रीडिंग करंट अफेयर्स इफ यू आर ऑलरेडी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर दैट इज अकॉर्डिंग टू मी कोई भी बुक्स कोई बुक आई है नहीं, नहीं है कोई भी बुक अगर न्यूज़ में है वही आती है कोई आज से छः साल पहले कोई बुक आई थी न्यूज़ में नहीं है वो पेपर में आने का कोई ज़्यादा चांस होता नहीं है सो ऑर्गेनाइजेशन हेड्स एंड हैडक्वाटर्स यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड चेंज हुए हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही है सी एंड गवर्नर्स जो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज एयर कैपिटल करंसीज फेमस वाटरफॉल्स रिवर्स ब्रिजेस हिल्स ट्राइब्स माउंटेन पीक्स stadiums museums game venues summits conferences days dates <coughs> sorry and for the english language uh, uh let's for the english language there is letter writing and essay writing only सो इन द इंग्लिश लैंग्वेज ये प्री की इंग्लिश लैंग्वेज है देर इज रीडिंग क्लोज टेस्ट एर स्पॉटिंग डबल फिलर सेंटेंस री एंड वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन प्री वाला मीन्स में तो आपका डिस्क्रिप्टिव है यूनिट टू टाइप योर एसेज एंड लेटर्स इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट इंश्योरेंस अवेयरनेस में हिस्ट्री प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आई की पावर्स फंक्शन ग्रेवेंस रिट्रेसल सिस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन क्लेम प्रोसीजर्स टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इश्योरेंस का टर्म्स अंडर राइटिंग दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइनेंशियल अवेयरनेस में आर के सर्कुलर्स भी टीच फाइनेंशियल मार्किट्स बेसिक्स ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंजेस म्यूचुअल डिपोजिटरीज वो सारा सिस्टम रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आई एम एफ इंटेर बजट अभी बजट आएगा अभी 2023 वाला वेरी इंपॉर्टेंट आर बी आई से भी आई आर डी ए के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स गाइडलाइंस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू आई आर डी ए गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स टैक्स प्रोविजन आर न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश आई टोल्ड यू लेटर राइटिंग एंड एस राइटिंग आई विल भी शेयरिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट रिलेटेड टू राइटिंग एंड लेटर राइटिंग ऑन दिस चैनल सो सब्सक्राइब So, LICAO crash course by Team Bank exams today, in which we are covering the entire syllabus, covering the pre and the mains exam, including the descriptive paper, and we are going to evaluate your answers. So, complete coverage of the syllabus with the help of video classes, a notes, a test series, live session, quizzes, everything is there in the dashboard. You can drop us a WhatsApp message, or the link to join the course is available in the description. Please check the description and join the course. List of our successful students in last, uh, you know, two years I guess, RRB scale 2 and scale 3. All these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams. And I'm really really happy for them. If there is anything in your mind that you want to ask, you can drop a WhatsApp message and we are going to answer you. And we answer everybody. And that's actually all for today. If there is any other doubt, WhatsApp us or drop a comment. We are going to answer you. And that's actually all for today. Like the video and subscribe the channel. Thank you and have a very nice day. We'll be back tomorrow with another video.